सब्सक्राइब कीजिए हमारे पॉलिट्रिक चैनल को और दबाइए बेल आइकन को प्रोजेक्ट और टेक्निक की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा ऑटोकट बैटरी चार्जर। जैसे कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो आप लोग इसे बिना बंद किए अपने आप वो सर्किट चार्जिंग देना बैटरी को बंद कर देगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस सर्किट को मैंने ऑलरेडी बना लिया है। इसके लिए दोस्तों आपको लगेगा एक 12 वोल्ट का रिले। ये रिले आपको मार्केट में 15-20 रुपये तक मिल जाएगा और उसमें एक मैंने लगाया है प्रीसेट। प्रीसेट मिलता है आपको 3 रुपये का। उसके बाद दोस्तों अब हमें लेना है इसमें एक 1K का रेजिस्टेंस और उसके बाद एक LED चाहिए हमें। 1K का रेजिस्टेंस 2-3 रुपये का मिलेगा। और उसके बाद लेंगे दोस्तों BC547 ट्रांजिस्टर और उसके बाद एक हमें डायोड चाहिए 4007 नंबर का चाहिए हमें, वो मिल जाएगा 2-3-4 रुपए का मिलेगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा प्लीज़। फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, इसे आप लोग कुछ ही कीमत में बना सकते हो। जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो आपकी ये जो चार्जिंग होना बंद हो जाएगा, अपने आप लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसे चेक करके बताता हूँ। जब ये दोस्तों 13 के ऊपर जाएगा, इसका वोल्ट 13.60 या 70, फिर ऑटोमेटिक ये चार्जिंग देना बंद कर देगा। अपने आप ये रिले जो है बंद हो जाएगा। देखते रहिएगा दोस्तों पूरी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा उस बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, इसका सर्किट डायग्राम ये मैंने आपको दे दिया है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मन में सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर जाके अपनी कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका भाई ऑलट्रिक। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबाइए बेल आइकॉन को मेरी।